गुड मॉर्निंग, क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसी ही है हम सबकी स्मार्ट बॉडी। इसकी खासियत यह है कि ये खुद ही अपना इलाज करना जानती है, फिर चाहे वो एनर्जी, टेम्परेचर, वेट कंट्रोल करने वाला थायराइड ग्लैंड हो या फिर शुगर बैलेंस रखने वाला इंसुलिन हो, इमोशनली फिट रखने वाला कार्टिसोल, सेरोटोनिन हो या फिर सोने जागने के साइकिल को रेगुलेट करने वाला मेलाटोनिन हो। जी हाँ, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसमें ऊपर वाले ने सेल्फ हीलिंग सिस्टम को लगाया है, जो चोट लगने पर और कई बार अंदरूनी जो गड़बड़ी होने लगती है खुद ब खुद ठीक करने की इसमें क्षमता होती है। हर इंसान है कि छोटी मोटी दिक्कत होती है, क्या करते हैं हम लोग, दवा या फिर अस्पताल के फेर में पड़ जाते हैं। और जब हमारा शरीर इतना स्मार्ट है तो फिर लोग बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, वर्कआउट के बाद भी पेट पर फैट क्यों आता है, लाइफस्टाइल ठीक होने के बावजूद शुगर बीपी परेशान क्यों करता है। वो इसलिए पूछा कि वो अपने खाने की थाली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वो खा क्या रहे हैं। अब देखिए, तीन चार चीजें हमारे सामने रखी हुई है, किस प्रोपोर्शन में क्या खाना है ये पता होना चाहिए ना। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन है तो ये सफेद लेकिन काला कर जाते हैं काम। और मीनाक्षी का कहने का मतलब है मैदा, नमक, चीनी और चावल किस मात्रा में आप ले रहे हैं तो ध्यान में रखिए। जी, क्योंकि स्वाद के चक्कर में ये सारी चीजें इन दिनों सफेद जहर बन चुकी है और तमाम बीमारियों की वजह भी बन रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप नमक को ले लीजिए। WHO का कहना है कि हर दिन 5 ग्राम नमक खाने की हमें जरूरत होती है, जबकि देश में अगर देखा जाए तो 100 में से 99 लोग हर दिन इसकी दोगुना मात्रा में हम नमक लेते हैं। नतीजा क्या होता है, हाइपरटेंशन, महामारी जो बन चुका है आज के दिन में। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि शहरों में हर 3 में से 1 का बीपी हाई रहता है। और ठीक इसी तरह एक दिन में 5 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं खानी है, लेकिन अमूमन एक इंसान साल भर में 28 किलो चीनी खा जाता है। 28 किलो, सोचिए, जो कि तकरीबन 3 गुना ज्यादा है, जबकि चीनी को कम करके डायबिटीज से बचा जा सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, तब तो मोटापे की सौगात देने वाले सफेद जहर, मैदा और पॉलिश राइस से भी बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से थाली टेस्टी तो होती है लेकिन हेल्दी बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल पूजा, क्योंकि उसमें मौजूद जो रिफाइंड कार्ब्स की वजह से शरीर के अंदर हमें क्या होता है, ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, और इससे क्या होता है, जल्द आपको भूख लग जाती है और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ओवर ईटिंग करते हैं, वजन बढ़ाते हैं। तो परेशानियां बहुत सारी है, और मतलब ये है कि सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, सफेद चावल, इन सब की क्वांटिटी कम कर दीजिए। साथ में रोज हमारे साथ योग अभ्यास करिए ताकि लाइफ की क्वालिटी बढ़ाई जा सके। और करना क्या होगा ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो रोज सुबह 4:30 बजे उठ करके पसीना बहाता हूँ और सबको कहता हूँ, जीवन का निचोड़, जीवन का निष्कर्ष यह है कि एक बार सुबह पसीना बहाओ। अब लोग सुबह सुबह उठ करके पसीना नहीं बहाते। मैं तो खड़ाओं में दौड़ रहा था, वैसे तो मैं नंगे पैर भी दौड़ता हूँ, जूतों में भी दौड़ता हूँ, घास पर भी दौड़ता हूँ, एक बार सुबह पसीने से निचोड़ता हूँ। स्वयं को पसीने से निचोड़ो, ये जीवन का निष्कर्ष है, नहीं तो ये जीवन बहुत दुख देगा। जीवन नींबू की तरह, जितना निचोड़ोगे उतना ही रस आएगा। और सुबह सुबह फिर ये 1 चम्मच मक्खन खाया करो, मक्खन 1 चम्मच। इसमें जो थोड़े मीठा के खाऊ हैं वो थोड़ा मिश्री मिला करके खा सकते हैं, ये तो हमारे पास में खांड है। ये 4 जहर मत खाना, सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चीनी और ये व्हाइट राइस। ब्राउन राइस इसका विकल्प है जो हमने सबको उपलब्ध कराया, हमने स्वस्थ विकल्प भी उपलब्ध कराए, हमने मल्टीग्रीन आटा, मोटे अनाज और ब्राउन शुगर, जैगरी, खांड, बूरा, ये 4 जहर ना अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, पूरा का पूरा एक विकारों का पहाड़ इकट्ठा कर देते हैं, उसको ढहना मुश्किल हो जाता है। आपको जो है दिन में एक बार खाना खाना चाहिए, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तुम्हार कर्म, और 14 से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। मैं शाम को 7 बजे खा के अगले दिन 11-12 बजे खाता हूँ,
सुबह सुबह तो मक्खन एक चम्मच खा लिया, सुबह सुबह गाय का घी या वर्जिन कोकोनट चम्मच एक चम्मच ले लिया, और किसी दिन ज़्यादा ही भूख लगी तो कुछ फ्रूट्स या बस जूस पी लिया, इतना ही लेते हैं। और पहले ये फ्रूट्स और जूस लेने चाहिए। ये हमारा एक बालक थोड़ा सा अभी तो माल खा खा करके तगड़ा हो गया है, नहीं तो पहले तो अंडर वेट ही हो गया था। हाँ, और ये जो घी है, घी या मक्खन ये सब्जी में डाल करके पराठे के रूप में धुआं नहीं उठाना चाहिए। ये गड़बड़ हो रहा है, पराठे में धुआं उठ रहा है, मक्खन का, मक्खन के पराठे बना रहे और फिर जीवन में धुआं उठ रहा है, इससे बचना पड़ेगा। धुआंधार योग करो, जैसे हमारी बेटी इधर करने में लगी हुई है, धुआंधार योग करो, प्राणायाम करो, आसन करो, व्यायाम करो। और रोज हम योगिक जोगिंग बताते हैं वो करो। यहाँ सत्यवती ने करके अपना इंसुलिन छोड़ दिया है, एक बार हाथ खड़े करना, जोरदार अभिनंदन है भाई सत्यवती जी का। रचना ने अपना लीवर ठीक कर लिया, संध्या ने तो खांसी, सियाटिका, अर्थराइटिस बहुत कुछ ठीक कर लिया, और राम जी ने तो अपनी एपिलेप्सी ठीक कर लिया। चलो राम जी खड़े हो जाओ, ऐसे देखो ये किया करो, रोज योगिक जोगिंग के कम से कम दो पोचर, सब खड़े हो जाओ, थोड़ा थोड़ा करो, होले होले, ऐसे तो सभी कर लो, इतना तो सबसे हो जाएगा, और जो पूरा कर सको तो पूरी छलांग लगाओ। तो आज कई तरह के रंग बिरंगे बच्चे हैं हमारे, होले होले कर लेना। हाँ, तुम्हारे गद्दे भी बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, उछाल मार रहे हो जल्दी ही उसके ऊपर ज़्यादा। हाँ, तो मैं रोज़ कम से कम कहता हूँ योगिक जोगिंग के कम से कम दो पोज ये, एक तो ये ऐसे और एक ये तो कंपलसरी है, और जो फिर पूरा कर सके तो फिर पूरा कर लेना, कम से कम दो पोज योगिक जोगिंग के। और फिर देखो दो पोज ये, एक तो ये ऐसे, होले होले आधा करना, फिर धीरे धीरे 100 बार तक। तो देखो तुम्हारी फिजिक्स कैसी होगी बॉडी की, चंगाएँ, भुजाएँ, पेट पीठ, कमर, ऐसे ऐसे एक, फिर ये, फिर आगे बैठक भी बताएंगे, सूर्य नमस्कार भी ऐसे करवा देते हैं, लीवर किडनी आज सबका हेल्दी बनाएंगे। इधर लीवर के लिए किडनी के लिए बस्ती भी चल रही है, उधर वाटर थेरापी भी चल रही है, जल नेति, सूत्र नेति, दंड बस्ती और वस्त्र, ये धोती, ये इतनी अच्छी अच्छी क्रियाएं हैं, वस्त्र धोती, दंड धोती, ये अंदर के शुद्धिकरण के लिए कुंजर, ये सब भी, और ये जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास 10 बार करने का नियम ले, और मैं कह रहा था 10 बार के ये आज चार जो जहर हैं हमने बोरी भर के अपने सामने इसलिए रखे हुए हैं कि हम दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि इन चारों चीजों से बच के रहना है, फिर चाहे वो चीनी हो, नमक हो, मैदा हो। हाँ। ये सारी चीजें हमारे टेस्ट को तो बड़ा इनहेंस करते हैं, बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन लोगों को अंदाजा ही नहीं लगता कि कितना मात्रा में खाया जाना चाहिए, और फिर ये बीमारियों की वजह बन जाती है। अब लोग अपनी जुबान पर कंट्रोल कैसे करें, योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। मसलन अब लोग अपने खाने की थाली सजाते हैं, अथा योगा अनुशासन, एक हरी मिर्च के साथ 4 चुटकी नमक और ले लेते हैं, थोड़ा सा नमक लगा के खाएंगे स्वाद आएगा। अनुशासन से देखो स्वाद भोजन में नहीं, क्या बोला, स्वाद भोजन में नहीं, किस में है, भूख में। क्या बोला, स्वाद भोजन में नहीं भूख में है। भूख कड़ाके के लगी हो ना तो सूखी रोटी में, सूखा चना खाने में भी स्वाद आता है, और भूख ना हो जलेबी, पकवान, रसगुल्ले, रसमलाई, लड्डू, सब बेकार हो जाते हैं। तो देखो जिनसे ये बन पाए वो तो ये कर लेना हनुमान दंड। वैसे आज मंगलवार है, हम तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सुहे लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, पूरे हनुमान चालीसा के साथ साथ पूरी दंड लगा लेते, जिनसे पूरा हो जाए, इतना भी ना हो ना, ऐसे ऐसे भी ना हो तो कम से कम भुजंगासन। चलो उठे लेटो सब, भुजंगासन तो सब किया करो, ये
इतना भी ना हो तो ये तो कर लो ऐसे। तो जुबान पर कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, मुझे स्वाद के लिए नहीं, सेहत स्वास्थ्य के लिए खाना है, जीवन के लिए खाना है। जीवन खाने के लिए नहीं है, जीवन के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है। और योग करेंगे, लिवर अच्छा रहेगा, किडनी अच्छी रहेगी, भूख अच्छी लगेगी, तो अच्छे खाने में भी स्वाद आएगा। जैसे हम भी तो जंक फूड, फास्ट फूड, उल्टा पुल्टा जो खा रहे हैं संसार के लोग, हम तो खा भी सकते हैं और उनके नुकसानों से भी काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन सुपर हेल्दी रहते हुए भी, सुपर हेल्दी लीवर किडनी इंटेस्टाइन होते हुए भी हम जंक फूड नहीं खाते। जो बार बार खाते हैं उसी की आदत पड़ जाती है, उसी में फिर स्वाद आने लगता है। जो बार बार देखते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार खाते पीते हैं, जो चीज़ें बार बार करते हैं उसकी हमें आदत पड़ जाती है, वो अच्छा लगने लगता है, उसका हमें एडिक्शन हो जाता है। अब जैसे कुछ लोगों को चाय का, कॉफ़ी का एडिक्शन, हम चाय कॉफ़ी पी लें तो हमें तो उल्टी लग जाती है, इतना पित्त बढ़ जाता है, जी में चलाने लगता है। और चाय कॉफ़ी के पियक्कड़, चाय कॉफ़ी ना मिले तो सिर दर्द हो जाता है। चलो ये 100 बार ऐसे करना है। तो आज वस्त्र धोती भी हमने दिखा दी, ये 20-22 फीट का कपड़ा खाते और निकालते अंदर का कफ, फिर पानी पी करके पाइप से पानी निकालते हैं दंड धोती, और फिर कुंजर पानी पी के निकाल देते हैं। ये पित्त की वृद्धि के लिए, कफ की वृद्धि के लिए वस्त्र धोती, दंड धोती और कुंजर। कफ के लिए वैसे नस्य भी बहुत अच्छा है, और वात रोगों के लिए आंतरिक बस्ती और अंदर के इन्फ्लेमेशन को दूर करके, और उनके सेल्स को, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, लंग के, स्पाइन के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए और डिटॉक्स करने के लिए, एक तो हम हॉट एंड कोल्ड प्रेस कराते हैं और ये की बस्ती कराते हैं। ये सब प्राचीन विद्याएं, प्राचीन विद्याएं हमारी। और भुजंगासन तो 100 बार करने का लुप्त प्राय हो गई थी रखा है। लोगों के लिए पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा जी मेरी बहन, ये दुर्लभ सी हो गई थी, सबको सुलभ करा दिया भी है। स्वामी जी, बात नमक की मैंने शुरुआत में कही, और नमक निश्चित मात्रा में अगर लिया जाए तो सेहतमंद हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। बीपी कंट्रोल करने से लेकर वाटर लेवल को बैलेंस करने का काम भी नमक कर देता है। डिहाइड्रेशन की परेशानी नहीं होने देता। नमक में मौजूद सोडियम ब्रेन सेल्स में तालमेल बिठाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादा मात्रा में अगर यही नमक ले ली जाए तो सबसे पहले बीपी की ही परेशानी शुरू होती है, लोग गुस्सा ज्यादा करने लग जाते हैं। तो ये नमक ज्यादा खाना किस तरीके से हानिकारक होता है? सबसे पहले सफेद जहर नमक की बात। तो देखो, ज्यादा नमक खाने से क्या क्या हानि होती है वो भी बताते हैं, और हमारा पावर योगा का सेशन पूरा हो गया। रोज हमारे साथ लोग चक्र दंड लगाने लग गए, शेर दंड भी लगाने लग गए ऐसे, फिर मंडूकासन करो। चलो, ज्यादा नमक बीपी बढ़ाता है, ज्यादा नमक गुस्सा लाता है, ज्यादा नमक हड्डियों को गलाता है, ज्यादा नमक आपके लीवर किडनी को खराब करता है, ज्यादा नमक आपके वेट गेन करता है। नमक और मीठा बंद कर दो, वेट एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हाँ, नमक मीठा और गेहूं चावल हम बंद करा देते, एकदम वेट रिड्यूस। जितना भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में इकट्ठा होता है, सूजन स्वेलिंग आता है, नमक बंद कर दो, स्वेलिंग आए, छोटी सी बात है, ये चटोरापन छोड़ना पड़ेगा ना। और ज्यादा नमक जो है ये हमारी इम्यूनिटी को घटाता है। और नमक थोड़ा भी खाना है तो कौन सा खाना, सेंधा नमक खाओ, अच्छा खाओ, तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल नहीं, आप नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, आपको अच्छा तेल खाना है, अच्छा घी खाना है, गाय का घी सबसे बेस्ट है,
नहीं तो हमने भैंस नाराज ना हो जाए। एक दिन सींग पहना के मेरे पीछे दौड़ी तो मैंने भैंस का भी घी, मैंने कहा जिसको खाना खा लेना भाई, गाय को तो हम भैया कहते हैं मोसी, तू हमारा पीछा छोड़। तो गाय का भैंस का घी खाते हैं लोग। ओरिजिनल जो ऑयल है ना वो कच्ची खाने वाला होता है, जो रिफाइंड ऑयल है ना ये कतई अच्छा नहीं होता है। मिलेट्स खाएं और चोकर के साथ आटा खाएं। आजकल तो एक्स्ट्रा फाइबर के नाम से महंगा बिकता है। पहले छना हुआ वो जो आटा हम खाते थे और चोकर गाय भैंसों को खिलाते थे, अब चोकर का लोग दलिया बना के खाते हैं। तो देखो हमें वापस आना पड़ेगा, तो नमक छोड़ना पड़ेगा, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कैंसर बढ़ता है। हैवी सोल्ट इनटेक इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। और नमक और चीनी यही फास्ट फूड जंक फूड में प्रिजर्वेटिव के तौर पर सबसे ज़्यादा डाले जाते हैं, टेस्ट इन्हेंसर के तौर पर। अरे भाई इस कबाड़े से बाहर निकलो, जीवन अनमोल है, हैं छोटी छोटी भूलें करके जिंदगी को नरक दोजख मत बनाओ, जहन्नुम मत बनाओ। मंडूकासन ये लीवर किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए रोज करते हैं हम योग मुद्रासन तीन तरह से, एक हथेली पर हथेली रख करके, एक ऐसे मुट्ठी रख करके, और एक वक्त ऐसे पीछे से पकड़ ही लेते। अब इतना करने के लिए तो फिर जो है ऐसे ऐसे, इसके लिए तो पेट पर कंट्रोल होना चाहिए ना पहले। एक अभ्यास को 2-5-10 मिनट तक करना। मंडूकासन योग मुद्रा, सारी चीजें जो भी उल्टी पुल्टी खाते हैं जाकर के लीवर और किडनी जी को आक्रांत कर लेती है। स्वामी जी नमक की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से आपने कहा कि हाइपरटेंशन तो होती ही है, नसें कमजोर होने लगती है, लेकिन इसका असर दिल पर भी बहुत पड़ता है, हार्ट डिजीज का कैंसर तक का रोग। तो स्वामी जी इस ज्यादा नमक का खतरा दिल पर ना मंडराने लगे, उसके लिए दिल को मजबूत कैसे बनाएं? हाँ, एक तरफ तो मंडूकासन योग मुद्रासन अर्धमत्स्येन्द्रासन वक्रासन ये लीवर किडनी के लिए बताया। लीवर किडनी का हेल्दी रहना ये तो सबके संपूर्ण आरोग्य के लिए जरूरी है। लीवर शरीर को पूरा पोषण देता है, सशक्तिकरण करता है, और किडनी शरीर के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने का काम करती है। उसके लिए मंडूकासन पवन मुक्तासन डेली कम से कम 5-5 मिनट अवश्य करें। अब ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, जो ज़्यादा नमक है ना और ज़्यादा मीठा है और ज़्यादा घी तली हुई चीज़ें, हर चीज़ की एक मात्रा है, अति सर्वत्र वर्जयेत, योग की भी एक मात्रा है। ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक फिर दौड़ लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक योग ही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक खा रहे हैं, सुबह से शाम तक म्यूजिक सुन रहे हैं, सुबह से शाम तक दारू पी रहे हैं। दारू की तो कुछ मात्रा ही नहीं होती है, उसका कोई रूटीन तो नहीं है, पूर्ण निषिद्ध पदार्थ है। तो उसका नहीं कि बस मैं तो एक ही पैक लेता हूँ, एक पैक लेता लेता कब एक बोतल उड़ेल देता पता ही नहीं लगता। तो ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और भुजंगासन जो अभी करवाया हमने गोमुखासन, फिर ये गोमुखासन के साथ साथ देखो ये ऐसे ये, और एक ये अभ्यास ऐसे ऐसे दोनों तरफ से 10-10-20-20 बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदय अमृत लौकी कल्प, जो भी नमक मीठा मैदा और जितने भी ये सफ़ेद जहर और अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स पोल्यूशन एडल्टेशन रेडिएशन चारों ओर बीमारियां रोगाणु कीटाणु विषाणु घात लगाए बैठे हैं, अंदर से ही कहीं जेनेटिक डिजीज़ हो रही है, बाहर से बैक्टीरियल वायरल फंगल कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, भीतर बाहर से डिजीज का एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा विध्वंसक कुचक्र है,
इसको कुचलने के लिए, इसको चक्र को कुचलने के लिए योग तो करना पड़ेगा। और मैं कह रहा था लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, यह अंदर के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है जी। लीवर के लिए लिवोग्रिट लिवामृत हम देते हैं, और भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अरेंड, पपीते के पत्तों का रस, वीट ग्रास, एलोवेरा अप्रतिम है, ये सप्तामृत तो अप्रतिम है लीवर के लिए। किडनी के लिए भी हमने जैसे लिवोग्रिट जूस बताया, किडनी के लिए रिनोग्रिट के साथ में ना गोखरू फ्रेश, धनिया फ्रेश, नीम, पीपल के पत्ते और कासनी फ्रेश, पांच चीज़ों का फ्रेश जूस, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ही हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पूरा अंदर तक हार्ट के सारे जो भी गंदगी है उसको धो देता है, कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो, जो भी अंदर की गंदगी है, हार्ट इनलार्ज हो, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट, कार्डियोग्राम से अमृत, और लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, साथ में थोड़ा खाली पेट अनार भी ले सकते हैं। अनार तो हमारी रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है अनार, अब फ्रेश आंवला भी आने लगा है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और अब तो घर घर में जब से हमने एक पौधा सेहत के नाम ये अभियान शुरू किया है तब से घरों में 10-15-20 गमले और आ गए। पहले तो ऑर्नामेंटल्स के नाम पर सब उल्टे पुल्टे पौधे लगते थे, उनकी कोई उपयोगिता नहीं, लेकिन हमें ऑर्नामेंटल नहीं लगाने, ऑर्नामेंटल जो लगाते हैं मैं उनको कहूँ को मेंटल होते हैं, ऐसे कुछ कहना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हमने अब जड़ी बूटियाँ लगानी शुरू कर दी, जो मेरे दाएं तरफ पत्थर चटा, नीम और ये सब देख रहे हैं ना। अच्छा स्वामी जी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, ये सब घर घर में लगाने लग गए, मकोल। अब देखिए स्वामी जी, आप तो जिस पौधे से फायदा मिलता है, जिन पेड़ों से फायदा मिलता है उसका जिक्र करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना स्वामी जी, हम लोग जो कुछ हमें प्रचार के तौर पर दिखता है या हम लोग देखते हैं सुनते हैं, चाहे वो चलचित्र क्यों ना हो, मैं फिल्मों का जिक्र कर रहा हूँ, नमक, नमक का स्वामी जी काफी कुछ हो रहा है, हम कह रहे हैं नमक के ऊपर कुछ और बात करेंगे, तो स्वामी जब करें तो क्या करें ना, हर डायलॉग में आप सुनने को मिलता है, तुमने मेरा नमक खाया है, मैंने आपका नमक खाया है, ठीक है, अब तो ईमानदारी का पर्याय बना दिया से लोग, तुम नमक आराम हो गए हो, सब नमक खा खा के अपनी ईमानदारी दिखाने लगे हैं, तो मुझे लगता है कई बार ये डायलॉग्स भी बड़े ही इसके लिए जिम्मेदार हैं बेचारे नमक को लेकर, नमक को बुरा भला बोलते रहते हैं वैसे। अच्छा स्वामी जी, ज्यादा नमक हड्डियों के लिए भी ठीक नहीं है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और कई बार तो अचानक टूट भी जाती है, तो स्वामी जी अब इसका क्या उपाय है? ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा यह हड्डियों को गला देता है, उनको सड़ा देता है, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। RA, CRP, ANA, AVN, HLB-27, यूरिक एसिड, ASO, ये जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं ना, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर के साथ साथ बड़ा योगदान है इसमें नमक का, हैवी सोल्ट एंड हैवी शुगर इनटेक, इससे अर्थराइटिस भी बढ़ता है और इससे कैंसर भी बढ़ता है, दोनों के लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए क्या करें, इसके लिए नमक मीठा से तो तौबा करनी पड़ेगी, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, दुष्प्रचार कर कर के कुछ चीज़ों को इतना महिमा मंडित कर दिया गया है। चलो सीधे लेट जाओ, मरकटासन, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुगल, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनकी हड्डियाँ मजबूत, और जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है तो लाक्षादी गुग्गल, अंदर तक भीतर तक दर्द घुस गया है तो योगराज, महायोगराज गुग्गल, फिर नसनाड़ियों को भी अपने लपेटे में ले लिया है वात रोग ने तो त्रयोदशांग गुग्गल, अंदर कार्टिलेज तक घिसने लग गए हैं तो अश्वगंधा, अश्वशिला, फिर ज़्यादा ही अर्थराइटिस हो जाता तो पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, ATM की सब्जी और रागी बाजरे की रोटी, कुछ दिन तो उपवास ही कराते, 3-5 दिन सप्ताह में, 1-2 दिन ही आहार देते हैं, ATM की सब्जी, रागी बाजरा की रोटी और एलोवेरा, ये जो पंचामृत हमने बनाया है ना अर्थराइटिस के लिए पंचामृत है, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अर्थराइटिस में किसी का हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता तो उसके लिए वीट ग्रास, एलोवेरा और अनार, गाजर, चुकंदर, पांच चीज़ों का जूस और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का, अंजीर, खजूर थोड़ा खिला देते हैं। जय
जितना चाहो उतना हीमोग्लोबिन बढ़ा लो। मैंने तो लोगों का 15-16-17 तक किया हुआ, 2 सप्ताह से लेके अधिकतम 2 माह जो लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम से जूझते हैं, 2 लोगों का, एक तो किडनी फेलियर में, लिवर फेलियर में, हाँ, और एक अर्थराइटिस में, बहुत जल्दी डाउन जाता है ये। वैसे तो एक बीमारी होती है जिसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, उसमें भी, एप्लास्टिक एनीमिया में भी बहुत डाउन चला जाता है हीमोग्लोबिन, तो उसमें लिवोग्रिट जूस और हीम जूस जो अभी बता रहा था ये दोनों साथ साथ देते हैं। तो अर्थराइटिस में ये आसन करें, मरकटासन, भुजंगासन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम करें, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, नमक, मीठा, इनसे तो तौबा करनी पड़ेगी। अपनी चटोरी जुबान को समझाना पड़ेगा, 32 दांतों के बीच में है, रगड़ दी जाएगी तो उन्हें बहुत सताया है, अभी तक तो तेरी मनमानी मैंने सह ली, अब तेरी मानूंगा तो फिर जीवन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए चुपचाप पड़ी रहे। तो अपनी जीभ को समझाओ, ए चटोरी जी, तूने बहुत सताया, तेरे कारण से मैं बहुत दुख पाया। जी स्वामी जी, कितना सुंदर है जीवन। आप स्वामी जी, आप जीभ को बताएं कि वो ज्यादा नमक ना खाए, ज्यादा सुंदर चीनी भी ना खाए स्वामी जी, है ना स्वामी जी, सुंदर खिल रहा है, ऐसे जीवन बड़ा सुंदर है। स्वामी जी, हमने नमक को बहुत भला बुरा कह दिया, चीनी को भी स्वामी जी मौका मिलना चाहिए कि हम उसे भी शामिल करें, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएगी चीनी, क्योंकि वो भी उतनी ही जिम्मेदार है हमारे जीवन में कई कठिनाई को लाने के लिए जितना नमक होता है। अब ज्यादा चीनी यानी कम फिजिकल एक्टिविटी शरीर में शुगर लेवल को हाई कर देती है, तो चीनी के ऑल्टरनेट के तौर पर, मतलब उसके पर्याय के तौर पर स्वामी जी क्या हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज जैसी जो बीमारी है उससे बचने के लिए सबसे, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपाय है कि चीनी से दूर रहें। मधुरम और ये जैगरी पाउडर जी, ब्राउन शुगर, हनी, मुनक्का, खजूर, अंजीर, ये स्वस्थ विकल्प हैं चीनी के। और चीनी में दरअसल इतने ज़्यादा केमिकल डाले जाते हैं उसको वाश करने के लिए, और उससे जो जो ये ईक से जो तैयार होती है चीनी, जी शुगर कैन से, उसमें मोलाइसिस होता है, उसके तो फिर लोग दारू बनाते हैं आजकल तो भाई उसमें जो है आयरन और जितने भी पोषक तत्व हैं ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अच्छी चीज़ों को सब को निकाल देती है। सुकलाई से गन्ने को साफ करो और फिर गुड़ बना लो, दानेदार, कितना सुंदर लगता है। तो अभी सर्दियों में गुड़ के बारे में और विशेष बताएंगे। तो चीनी से तो तौबा ही करो। और देखो, कुछ लोग कहते हैं जी, जब वो हलवा बनाते हैं और जलेबी लड्डू बनाते हैं तो टेस्ट नहीं आता। मैंने सारी टेस्टिंग की हुई है, खांड से, बूरा से, और ये जो ब्राउन शुगर रखा है ना, इससे मैंने लड्डू, जलेबी, इमरती, हलवा सब बनाया हुआ है, इतना सुंदर बनता है। तो खांड से तो कोई बहुत ही अच्छा बनता है। और ये जो आपको हमने जैगरी पाउडर चाय कॉफ़ी में डालो, इतनी सुंदर टेस्टी लगती है। और ये जो चाशनी, चाहे वो हलवे में, चाहे वो लड्डू में, चाहे जलेबी इमरती में, वो इसकी जो ब्राउन शुगर आपको दे रखा है ना, इसकी बहुत ही सुंदर बनती है। तो मैं तो कहता हूँ थोड़ी सेविंग करो और अपने सेहत पर ज़्यादा खर्चा करो। अभी ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा, वापस हमें अपने अच्छे पदार्थों, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, पूरा कड़छा भर करके तेल नहीं, 1 चम्मच गाय का घी खाओ। और पूरे देश में मुहिम भी चलाओ, अलग अलग मंदिरों में जो प्रसाद के नाम पर जो भी कुछ पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे तेल में, उल्टे पुल्टे घी में लोग प्रसाद बना रहे, तो नेचुरल ऑयल और गाय का घी, भैंस का भी चलेगा लेकिन, और वैसे भगवान के दिया जलाने में तो तिल का तेल, सरसों का तेल, गाय का घी भी यूज करते हैं लोग, भैंस का नहीं करते। लेकिन ये जो चर्बी वाला और मछली वाला जो तेल है ना, ये तो बड़ा ही खतरनाक, और घी में इनकी मिलावट कर रहे हैं, और वो सस्ता वो भी मिला देते हैं, सबसे सस्ता आता है ना पाम ऑयल। पाम ऑयल भाई अलग से जो है, जो जिन चीज़ों को प्रिजर्व करना है लंबे समय तक, नमकीन है और बाकी इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए,
वो उसके लिए ठीक है, लेकिन बस घी के नाम पर तुम पाम ऑयल, वनस्पति घी, ये सब मत मिलाओ भाई। तो अब स्वामी जी, दो जहर की बात कर ली, सफेद उसके विकल्प ने बता दी है, और वो भी थोड़ी मात्रा में, और नमक भी। स्वामी जी, अब एक ऐसी और सफेद जहर की बात करने जा रही हूँ, मैदा, जिससे बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, स्वादिष्ट मैं बोलूंगी, अच्छी तो क्या, जो आंतों में चिपक जाता है भीतर जाकर। नूडल्स, पास्ता, समोसा, मटरी, और लिस्ट बहुत लंबी है। बेकरी का जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी ज़्यादातर मैदे का इस्तेमाल हो रहा है स्वामी जी, और लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, कारण एक ही है, स्वाद। लेकिन स्वामी जी, ये फिर जब आंतों पर जाकर चिपक जाता है तो बीमारी देता है, और इसका सबसे ज़्यादा असर तो हमारे लीवर पर पड़ता है, इंटेस्टाइन पर पड़ता है, फैटी लीवर की परेशानी होने लगती है, कभी कभी अल्सर की भी बीमारी की जड़ यही मैदा होता है। तो स्वामी जी, खाने का टेस्टी ऑप्शन बताइए ना, जो मैदे के बिना बनाया जा सके। ये तो ब्रेड खाते हैं ना, सफेद ब्रेड, अब तो पूरी दुनिया में ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड खाने लग गए, हम भी विदेशों में जाते हैं, खूब देखते हैं जी। पूरी दुनिया वापस अच्छे पदार्थों की ओर, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, स्वस्थ आहार की ओर लौट रही है, और हम वही अंग्रेज, हमें उस समय ब्रिटेन वालों ने यहाँ ब्रिटेनिया ब्रांड, ब्रिटेनिया की ब्रेड, ब्रिटेनिया के बिस्किट, और उसमें से हमने मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट रहित बिस्किट, ब्रेड, रस्क का नया प्रयोग शुरू किया था। तो भाई देखो, मैदा चाहे आप ब्रेड में, डबल रोटी में, और वो क्या खाते हैं, वो बड़ा पाव, हाँ, बड़ा पाव स्वामी जी, और अमृतसरी कुलचा। अब स्वामी जी, आप हमें कुलचे, बड़ा पाव, ये सब। स्वामी जी, आप ऐसे नाम ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी, कैसे हम अपने आप को रोकेंगे इन सब चीजों से? आजकल वैसे रागी और आटे का भी ये सब ऑप्शन आने लगा है। अरे छोले भटूरे, ओहो हो हो, मैं 50 साल का हो गया, मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ मीनाक्षी जी, स्वाद आ गया स्वामी जी, आपने छोले का तो पता था भाई, ये भी इसमें भी काबली चना, काले चना स्वामी जी, भटूरे का मुझे नहीं पता था, क्योंकि अभी खाया ही नहीं, और सच में अब तक भी नहीं खाया है भटूरा अब तक, बताओ। वो बाद में पता लगा, वो जो इतना मोटा सा रखते हैं ना जी, जो जिसको पता लगे कि इसको खाने वाला भी कम से कम 1 क्विंटल का तो हो ही जाएगा, तो वो भटूरे वैसे मोटे मोटे, और लोग वैसे उन्हीं चक्करों में रहते हैं। तो देखो, इन मैदा वाली चीजों का अच्छा विकल्प है कि आप जो है अब तो हर चीज, अब पेट को पकड़ के रखना पड़ेगा, मोटे अनाज से और मिलेट से बनने लग गई, हमने सारी चीजें जो अभी बता रहे थे, पास्ता से लेकर के और ब्रेड, बिस्किट, सब बेकरी के सामान, सब हमने मोटे आटे से और मिलेट से बनाए, बहुत अच्छे बनते हैं। छोड़ दो मैदा, जाके अंदर चिपकेगा, फिर निकलता नहीं, फिर लैक्सेटिव्स खाते हैं, फिर कब्ज के चूर्ण खाते हैं, फिर पूरा और आंतों को खराब कर लेते, जो बार बार कब्ज की चूर्ण खाते हैं, ये मैदा खाने वाले और मांस खाने वाले, फिर वो जो है ना, उसको निकालने के लिए फिर लैक्सेटिव्स लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए भाई वो खाओ जो अच्छे से पच जाए और जिसको निकालने के लिए फोर्स नहीं लगानी पड़े। और हाँ, लैटिन के समय बहुत जो फोर्स लगाते हैं ना, तो उनकी शक्ति भी अधोगामिनी हो जाती, कुंडलिनी शक्ति का ह्रास होता है, जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, रज शुक्र का क्षय होता है, उनका मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र क्षीण पड़ जाता है, शक्ति अधोगामी हो जाती है। हमें तो ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता बनना है, ब्रह्म वर्चस्व तेज को पाना है, उसके लिए हम तो शीर्षासन बताते, भाई शीर्षासन करो, बाह्य प्राणायाम करो, और यहाँ अपनी शक्तियों को बहाए जा रहे हैं, जीवन में तबाही मची हुई, और फिर भी कह रहे हैं मजा आ रहा है, अरे थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर का की खुशियाँ, जिंदगी भर का गम, थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख का पहाड़ खड़ा मत कर पगले बावले। तो आज मुझे लगता है सब लोग थोड़े सुधरेंगे और ये सब जहर खाना छोड़ेंगे, और जो जहर खा खा करके पेट गड़बड़ा लिया है ना, इसके लिए हाँ स्वामी जी, गृह युद्ध छिड़ने वाला है आपके इस प्रवचन के बाद। स्वामी जी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा आज, पति पत्नी में आज जंग होने जा रही है, पति बोलेगा पूरी लाओ, पत्नी बोलेगा नहीं, वो बोलेंगे छोले भटूरे, तो बोले नहीं। मैं उसके हेल्दी ऑप्शन बताऊंगी अमिताभ, हाँ मीनाक्षी को पता है, उसकी बनानी है हेल्दी ऑप्शन, है मिलेट्स की पूरी बनानी है स्वामी जी।
सफेद शहद से। हाँ, हेल्दी ऑप्शन लाने, हेल्दी ऑप्शन, और पूरी रोज नहीं खानी। स्वामी जी, ये जो पति पत्नी की बात हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ी किडनी ले आती हूँ, क्योंकि वो भी जोड़ी में होती है। स्वामी जी, सफेद शहर से किडनी को बहुत नुकसान पहुंचता है। किडनी ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं, तो देश में किडनी देने वालों में 65% महिलाएं हैं। उनमें से 70% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति को ही किडनी डोनेट की है, जबकि किडनी पाने वालों में महिलाओं की संख्या केवल 25% है। स्वामी जी, इसका मतलब तो ये है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अपनी किडनी का बहुत ख्याल रखती हैं। त्याग इसमें भी महिलाओं का है? वो त्याग करती है, पुरुष भोग करते हैं ना। महिलाएं एक तो घर में रहती हैं तो थोड़ा पानी आदि पी लेती हैं, पुरुष अरे ऑफिस में रहे ना, पानी पियेंगे, बार बार शुरू जाना पड़ेगा, और फिर नमक बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, कुछ पीते भी है दारू आदि, उससे भी किडनी खराब होती है, और गुस्सा बहुत करते हैं। तो जितना आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे और ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाएंगे, बाहर बहुत रहते हैं पुरुष तो बाजार का बहुत खाते हैं, तो उससे भी किडनियाँ खराब होती हैं। तो किडनी के लिए रिनोग्रिट, वैसे तो ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवादि, मंडूर, हमने बहुत कुछ बताया है, गोखरू का, धनिया का पानी। अब गोखरू, धनिया, नीम, पीपल और कासने के पत्तों का रस, इसको मैंने रिनोग्रिट जूस और रिनोग्रिट वटी ये रखी इधर, आज हम इसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहेंगे। और ये प्रोस्टोग्रिट खिलाते हैं, और ये करते, कल एक भाई मिला, बोले जी प्रोस्टेट बहुत गड़बड़ हो गया था, मैंने तो ये बोले, मैंने तो ऐसे 500,000 बार तक करना शुरू कर दिया, प्रोस्टेट ठीक हो गए लो। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो किडनी अब किसी की, दोनों के दोनों जोड़े ठीक रहेंगे। और पत्नी को, पति को किडनी नहीं देनी पड़ेगी, वो बड़ा दिल रख करके दे देती हैं, कई बार बेटी बाप को दे देती है, जैसे लालू यादव की बेटी, तो लेकिन भाई देनी ना पड़े ना, लेने वाले दरिद्र होते हैं, देने वाले उदार तो होते हैं, लेकिन ये लेना देना अंग प्रत्यंगों का नहीं होना चाहिए, बल्कि हम देखिए स्वामी जी, अपना शरीर किसी के काम आए, ये तो मतलब भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद ही है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, लेकिन जीवन के बाद ये होना चाहिए, जीवन जीते हुए हमें ना किसी से कोई ऑर्गन लेना पड़े, ना ऐसी नौबत आए कि हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें किस तरीके की समस्या आए कि हमें अपना ऑर्गन डोनेट करना पड़े। उसके लिए स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के साथ साथ हमें उस मिशन पर भी लगातार लगे रहना है, एक पौधा सेहत के नाम, क्योंकि पौधा प्रकृति के लिए भी तो संजीवनी है। उलोम विलोम तो अब आप मीनाक्षी जी के साथ, अमित जी के साथ करते रहिए, और हमने आज चावल का भी हेल्दी विकल्प बता दिया, ब्राउन राइस ले, चीनी का और सब चीज़ों का, मैदा का हेल्दी विकल्प बता दिया, ब्राउन राइस दे दिया हमने सबको। खैर, अब आज का हमारा मिशन है, मिशन जवारा। तो ये जो गेहूँ को ना, पहले तो थोड़ा भिगो दे दो एक दिन, फिर इसमें थोड़ा अंकुरण फूट आएगा, और फिर इसको ऐसे 7 गमलों में बो दें, और 7 गमलों में जब ऐसे इसको बो देंगे, तो 7वें दिन अच्छा ऐसे ऐसे ही जवारा निकल आता है, जैसे ये है ना, ऐसे ही निकल आता है। और ये खून को बढ़ाने के लिए, पित्त का प्रशमन करने के लिए, एसिडिटी के लिए, अल्सर, एसिडिटी, कोलाइटिस, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला के लिए, कैंसर के लिए, तो संजीवनी का काम करता है। गेहूँ का जवारा कैंसर के लिए परम औषधि है, और जितने भी चर्म रोग हैं, लिकोडर्मा, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा, सब के लिए परम औषधि है। तो ये पित्त के प्रशमन के लिए, एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला के लिए, चर्म रोगों के लिए, कैंसर के लिए, और वैसे भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो घरों में ही जवारा लगाएं और एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा और जवारा जो खा लेंगे, 100 साल की लंबी आयु पाएंगे, और किसी भी प्रकार के जो अनहेल्दी फूड, कचरा खाने से जो शरीर में उपद्रव होते हैं जंक फूड से, उससे भी अपने आप को बचा पाएंगे। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। स्वामी जी, दर्शकों के अंदर योग पंचायत को लेकर बहुत क्रेज है, और इसलिए हर दिन हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आते हैं। आज ब्रजेश मध्य प्रदेश से वीडियो भेज रहे हैं, कुलदीप उत्तराखंड से, कितना अच्छा सभी लोग हलासन कर रहे हैं, चाहे वे शादी हो पुणे से, परफेक्शन दिख रहा है। विवेक जूनागढ़ से, निशिका हिसार से, प्रीति फरीदाबाद से,
मुझे लग रहा है स्वामी जी कि जब से हमने योग पंचायत लगानी शुरू की है लोगों का रुझान योग की तरफ और बढ़ गया है। बेस्ट वीडियो आज का प्रीति नांगिया ने भेजा है फरीदाबाद हरियाणा से। ये बात अच्छा हो रहा है। चलिए भाई फरीदाबाद वालों के लिए जोरदार अभिनंदन और आप मेरे साथ खड़े होकर के वृक्षासन करो आज। आज का चैलेंज भी योग पंचायत के माध्यम से पूरे देश में सामूहिक योग करने की एक बहुत ही बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। पूरा राष्ट्र योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में होगा। एड़ी ऊपर पंजा नीचे की ओर और इससे दोनों हाथ ऊपर की तरफ ऐसे करना और ऐसे 10-20 लोगों के साथ अपना वीडियो भेजना तो योग पंचायत में स्वीकृत होगा। उनको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे, उनको प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, मेडल भी मिलेगा। कितनी अच्छी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट होता है लाइफ में और आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं जी। तो ऐसे सबको और प्रेरणा का ये सिलसिला आगे भी हमेशा जारी रहे। तो वृक्षासन दोनों पांव से आप करके भेजें, अच्छा सा वीडियो बनाए और 93505 पर आप भेजते हैं। स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।